हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। आज का टॉपिक है कॉन्टैक्ट नंबर ब्लॉक कैसे करें। फ्रेंड्स, मेरे पास ये है सैमसंग का फ़ोन। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मेरे चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते वीडियो आपको ओपन करना है सेटिंग। यहाँ पर आपको ऐसा इंटरफेस दिखता है, आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। सॉरी फ्रेंड्स, आपको डायल पर भी जाना है। फिर यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट्स पे जाना है। फिर आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है। और जो आप कॉन्टैक्ट ना ब्लॉक करना चाहते हैं उसका इसका नंबर याद रखना चाहिए आपको। थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से आप ब्लॉक नंबर पर जाएंगे और जो आपको नंबर ब्लॉक करना है वो नंबर डालेंगे। यहाँ पर जब आपका निशान है इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा यहाँ से। और आपको यून अनब्लॉक करना है तो आपको इस पर क्लिक करना है और ये आपका ब्लॉक अनब्लॉक हो जाएगा। मैं उसको ब्लॉक कर देती हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाने के नंबर मेरा ब्लॉक हो चुका है। यहाँ से बैक कर देंगे और ब्लॉक नंबर पे जाएंगे। ये वाला नंबर मैंने ब्लॉक किया था, ये नंबर ब्लॉक हो चुका है। फ्रेंड्स, यहाँ से भी आप नंबर ब्लॉक कर सकते हैं। थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका यून ब्लॉक, वहाँ से तो मैंने नंबर ब्लॉक किया था, यहाँ से यून ब्लॉक कर सकते हैं। और जो आपका नंबर ब्लॉक हुआ है वो अब यून ब्लॉक हो जाएगा, तो ये ब्लॉक नहीं रहेगा। यून ब्लॉक कर देती हूँ, यहीं से ब्लॉक करेंगे और यून ब्लॉक करेंगे यहाँ से भी और यहाँ से भी। फ्रेंड्स, आई होप आपको कॉन्टैक्ट नंबर यून ब्लॉक करना और क्या होगा। और डिलीट करने के बाद अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर डिलीट करना है तो डिलीट करके रखना है। और यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन आता है, ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर डिलीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको कॉन्टैक्ट नंबर ब्लॉक करना आ गया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।